विभु, what's wrong with you? अब अनु, तो तुम सोई नहीं अभी तक? ये सब क्या है? तुम्हारे हाथों में ये दर्जनों रोटियां हैं, तुम्हारी हालत किसी चोर जैसी लग रही है, पर पागल होकर हो गए हो क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, I don't know. तुम बताओ ना. तुम्हें पता नहीं चल रहा है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? विभु, तुम लोगों के मुंह से रोटियां छीन रहे हो और अभी भी तुम वही करके आ रहे हो, ये देखो. अरुणा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं लोगों के मुंह से रोटियां छीन रहा हूँ? सिर्फ लोगों के मुंह से नहीं, तुम मेरे मुंह से भी रोटियां छीन रहे हो, तुम चाचा जी के मुंह से भी रोटियां छीन रहे हो, यहाँ तक कि तुम गली के कुत्ते के मुंह से भी रोटियां छीनने की कोशिश कर रहे थे. वो तो अच्छा वो भाग गया. God, oh God, oh God. Oh my God. तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से ना मुझे चावल खाने पड़ रहे हैं. लुक एट मी, मेरा वेट बढ़ रहा है. Hello? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बीमारी से छुटकारा कैसे पाऊं. लेट मी चेक, मैं कुछ देखती हूँ, शायद कोई सॉल्यूशन हो. रोटी खाओगी? एक्चुअली आई डोंट माइंड, कई दिन से मैंने रोटी खाई नहीं है. सो लाए लाला, इन रोटियों पे मेरा हक है लाला. विभु, एक रोटी पूछा क्यों फिर? मनोहर. यस सर. बेटा ध्यान रखिए, परिंदा भी बिल्कुल पर ना मार पाए, समझ रहे? कांड ना होने पाए. दो मिनट तो नकम्मा, अम्मा मई खोपड़ी खा रही बार बार. Yes, फोन कर ले. हाँ अम्मा, बोलो. तुमसे हमने कितनी बार कही, जब ज्यादा ड्यूटी पे होना फोन पे फोन ना करो, करो हमने कह दी ना, तब मैसेज चेक करो, हमने लिखो तुम ब्रांड ले आएंगे. अड्डा तुम्हारी जम्मा, ज्यो ज्यो उम्र बढ़ रही ना, तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ रही है, तुम अड्डा पाऊगा के चक्कर में निकलना लगी हो एक दिन. हैं सर, अम्मा जी हाफ लुढ़का जाती है. तू अपना काम कर. Uh-oh. अम्मा हम अभी ड्यूटी पे, बहुत बहुत अर्जेंट केस चल रहा है, तुम डरो हम ले आएंगे. हाँ ठीक है. ये लग पड़ गया, फोन पे फोन कर रही, मैसेज चेक नहीं कर रही हमने मैसेज में. ए लौंडे, सामने आ, कहाँ मर रहे? ओ तिवारी भैया ने हमें दावत पर बुलाया है. तुम्हें भीगे लट. मनोहर. यस सर. ढंग से तलाशी लेन की. यस. चप्पा चप्पा छान मारिए. हाथ हटा. ओह माय फॉल्ट, माय अपोलोजाज. नॉट मेंशन. है सही है सर, ये भी क्लीन है सर, जा सकते हैं. जाओ मारो सर, वेस्ट कर दियो टाइम मारो. सर एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं कुछ खा कर आऊं सर? अरे अपनी ये भूख की जो घोड़ा दौड़ रहे ना, उन्हें लगाम दे, चुपचाप ड्यूटी कर, नहीं तो विभूतिया वो चारू कांड कर जाएगो. यस. وتن مخبا براب وتن مخرا يس مخيا تخن مخمرا براب مخرا براب تن مخرا براب خن مرا قري حبيبي كل سامرا برازليل برازليل حبرا خلي بلي منوهرا 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 منوهرا. सर ये गाना सुनकर आपको ऐसे नहीं लगता कि इस गाने में मेरा भी जिक्र आ रहा है सर? आ रहा हूँ, लेकिन जो मटक का है रही? I don't know सर. हबीबी कुल निछावरा. सर सर सर, आपने सुना सर, इनके गाने में निछावर शब्द भी आ रहा है सर. वो तो ठीक है, लेकिन जो इतना मटक का है रही? बड़ा सा लेला हापुड़ा. सर आपने सुना सर, अभी 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 मैंने सुना कि बड़ा जलील हापुड़ा. ओह लेकिन जो इतना मटक का है रही? आई डोंट नो. आंटी हम कह रहे तुम कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही? तुमने आंखों की जगह गोटे लगाई है क्या? इतनी हसीन जवान लड़की को तुम आंटी बोलता है तुम्हारा मुंह में? वो का हो दादा? बुरुआ मान ली. ओके सॉरी कैंसिल. लड़की लड़की तुम कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही? ये मेरा भाईजान का घर है. कौन सी भाईजान? जोमन तिवारी का घर है ये, मैं उसकी सिस्टर. मखतमर लाला. सर लेकिन ये ऐसा कॉम्बिनेशन है सर, जुम्मन तिवारी और लैला. हमने जाके कुंडली देखी का जो हमसे ज्ञान मांग रहा हूँ. हाँ हाँ समझ गए समझ गए.
अब कम वक्त मारा, तुम हमारा वक्त बर्बाद करते, हमको अंदर जाना होते। सर इन्हें जाने दीजिए सर, क्यों खामखा इस औरत की बद्दुआ लेनी। सही कह रहा हूँ, इनकी बद्दुआ जल्दी भी लग जाती है। दीदी तुम, सॉरी लड़की तुम जाओ। अभी भी गुल निछावरा। आप सब लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भूखे हैं, लेकिन भूखे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम आपको ठूस ठूस के रोटियां खिलाएंगे। बात है लड्डू के भैया, दावत के साथ आइटम सॉन्ग भी रखे हो। का आइटम सॉन्ग, या तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन। ओ अतबख तुम्हारा सब अखबार से मख में है सर, वो कोई कम बखत घर में है। भैया जी दाल मखनी मांग रही है। मैं बावली वो तिवारी सेठ को पूछ रही है। एक मिनट यार, माफ कीजिएगा मोहतरमा, आप है कौन। पता अखबार बख्तमरमान मखसूर बस पखने बरस बमरवत बेहया बखबेस के बच्चा, तुम हमको नहीं पहचानती। ओहो ओहो मखतबर बख्त में बर बस, हम तुम्हारा बुआ कजाकिस्तान वाला बुआ। माफ कीजिएगा, आप कहाँ की बुआ हुआ है, हम कछु समझे नहीं, कब पैदा हुई। ओ खबीस के बच्चा, तुमसे पैदा होने से पहले हम पैदा हुए। और क्या हम नाबा, हम एक कजाकिस्तान का लड़का के साथ भाग गई, और वह हम पच्चीस 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 बच्चा निकाली। ओ कजाकिस्तान का गोशा गोशा में हमारा बच्चा होते पच्चीस बच्चे एक साल में जो है। ओ बुआ जी आप कितना डिलीवरी दे देती हैं। ओ हम देते नहीं है डिलीवरी, हम लीटर करते हैं, वो चार चार बच्चा निकालता है सेट में। इतना भाई ये कैसे संभव है। ओ हाइब्रिड, आ हाल हबीबी, हमें हाइब्रिड से याद आती तो हमारा ब्रेड ब्रेड ब्रेड। ओ तुम्हारा पास ताफ्तान है, बकरखानी है, खमर रोटी है, रुमाली रोटी है, कमाची है, कुछ है तुम्हारे पास। हमको भूख लगे, हम खाने को होते। बैठिए, हम आपको रोटी खिलाती है। अकेले हमको रोटी खिला तो कहा है ना बुआ जी, वो रोटी छुपा कर रखे थे। वो हमारा एक ठो पड़ोसी है, वो रोटी चोर बना पड़ा है, वो रोटियां चुरा चुरा कर भाग जाता है। वो उसका मखत रोटी चोर का हमारे सामने लेके आ, हम उसका हाथ काटते। हमारा कजाकिस्तान में जो चोरी करता हम उसका हाथ काटते। चूस में बुआ जी, ये कजाकिस्तान में लड़की को छेड़ने पे क्या करते हैं। हाँ। उसका भी काटते, लेकिन हाथ नहीं काटते। مطبخ من مخسر بس ما قوي مزاد بتخشر بس انا وقت من يا وقت من يا وقت من بس ما شاء الله با اسي पकड़े हैं الحبيبي। हम आपको रोटी खिलाते बुआ जी। आइए रोटी किधर, रोटी किधर है। इधर है। देखिए गर्मा गर्म रोटियां। ये रोटी मुझे दे दे लाला। ये रोटी मैं खाऊंगा। इस रोटी पे
मेरा हक है। I want to eat this. ये तो फिल्म का डायलॉग है ना, हम सुने रहे ही डायलॉग। वो बबूती जी थे। का? अरे रोटी लूट कर ले गए, चोर चोर। दादा कांडो कहू गो वो चिल्ला रहो चोर दादा भैया तिवारी कहू गो बिलैया का ब्याह है गयो। आपकी नाक के नीचे से भभूति जी फिर से रोटी लूट के ले गए हैं? और का? अरे नाना अरे बता, अरे हमने तो एक कहानी चरैया सारो आतना देखी अंदर। एग्जैक्टली हाँ हो, आपकी एक बुआ जी आई थी कजाकिस्तान वाली। बस उन्हीं को अंदर छोड़ दिया था। ओ बुआ जी ना आई, वो भभूति जी थे। का? रोल कैमरा एक्शन। बस एक बार सक्सेना की अम्मा मिल जाए, उनसे बस यही पूछना है कि क्या खा के पैदा किए हो इस पगलेट को। सही करो मत सब, पहले दोनों को दो जिस्म एक जान बनाया और अब देखो एक दूसरे से राखी बंधवा दी। अरे इस पगलेट ने तो सारे संसार के नियमों में ही उलट फेर कर दिया। आखिर ये साला पगलेट अपनी फिल्म में दर्शकों को दिखाना क्या चाह रहा है? सही करो प्रेम भाई, इसके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर पुरी क्या हुआ इनको? आखिर प्रॉब्लम क्या है इस आदमी की? इस आदमी को रोटियां चुराने की सनक लग गई है। क्यूज मी जेंटलमैन, लुक मी, लुक एट मी। ओके, आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। आर यू रेडी? ये बताइए ये रोटी चुराने की सनक कब से है? आई मीन फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से है या? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं पता। अपने अपने दिमाग पर जोर दो, याद करने की कोशिश करो, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। डालो जोर, डालो। याद करो उस रोहटी के साथ घटी हुई घटना जिसकी वजह से तुम्हारी आत्मा को गहरा आघात लगा है। इसलिए जब भी तुम रोटी देखते हो उस आघात का दर्द, उसकी पीड़ा तुम्हें कचोटने लगती है और इसलिए ना चाहते हुए भी रोटी देखते हुए तुम्हारे हाथ उस रोटी की तरफ आगे बढ़ते हैं और छीन लेते हैं। याद करो। डॉक्टर साहब, यू राइट, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा होता है। याद आ गया मुझे, मुझे याद आ गया। याद आ गया, याद आ गया। साफ साफ बताओ क्या याद आया? मुझे अभी भी याद है कि बचपन में हमारा परिवार बड़ा गरीब था। हमें 2 जून रोटी नसीब नहीं थी। तो 2 जुलाई में ट्राई कर लेते हैं। I was just kidding. आगे क्या हुआ? एक्चुअली मेरी माँ बहुत बीमार थी, पिताजी शहर गए हुए थे, मैं घर में बिल्कुल अकेला था। माँ को बहुत जोर से भूख लग रही थी, माँ रोटी 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 चिल्ला रही थी। इससे इससे माँ की पीड़ा देखी नहीं गई। मैं रोटी की तलाश में घर से बाहर निकला तो देखा पड़ोस में दावत चल रही है और वहां पे रोटियां परोसी जा रही हैं। बस मुझसे रहा नहीं गया, मैंने झपट्टा मारा और 4-5 रोटियां छीन ली और जैसे ही भागने लगा कुछ लोगों ने पकड़ के मुझे पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि मैं जिंदा हूं ये अपने आप में एक अजूबा है, लेकिन मेरी लहू लुहान मुट्ठियों ने रोटियों का साथ नहीं छोड़ा। मैं वहां से उठा और चिल्लाता हुआ मामे 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 अपने घर की ओर दौड़ा। मैंने दरवाजा खोला तो मामी, नो माय गॉड, मामी बिरयानी खा रही थी। हाँ, शी वॉज हैविंग बिरयानी।
और उसने कहा, ये रोटियां तू खा ले, मैंने बिरयानी ठूस ली है। गॉड, इस माँ को अपने बेटे की तकलीफ दर्द का जरा सा एहसास नहीं हुआ। बस ये देख के मैं चक्कर खाने लगा। हाँ। मैं बेहोश सा होने लगा और जब मैं उठा तो उसके बाद मैं जब भी रोटियों को देखता था तो मुझे लगता था कि रोटियां मेरी हैं, इन रोटियों पे मेरा हक है। आई वॉन्ट दिस रोटीज, दिस रोटीज आर माइन लाला, ये रोटियां मुझे दे दे लाला, लाला लाला ये रोटियां मुझे दे दे लाला, ये रोटियां मुझे दे दे लाला, ये रोटियां मुझे दे दे लाला, लाला ये रोटियां मुझे दे। अरे भाभी जी क्या हो गया, विभूति भैया रो क्यों रहे और ये डॉक्टर पूरी क्यों आए हैं? मास्टर साहब विभू की तबीयत ठीक नहीं है। क्या विभूति भैया बुखार हो गया? हम तो उनके लिए समोसे लाए थे, ये देखिए। He's got the same problem. Hey! Hold. Manohar. Yes, sir. Check कर. कोनो भी गलती ना बहुत चाहिए. अरे. तो वो कह रहा था ना मैं. आ रही बदबू. कुछ चीजें पर्दे में रहे तो अच्छा है, क्या कर रहा हूँ ये? मैं स्कैम कर रहा हूँ। आई मीन लौंडे स्कैन करके देख रहा हूं कि तुम में से कोई पहरुपिया तो नहीं। ये आइडिया तुमसे कौन ने शेयर करो अंकल? ओ पता है तू अंधेर नगरी चौपट राजोस ज्ञान न देते समझ गो। अनवर यस सर, कछु मिलो सारे? नो सर, स्कैन में कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है सर। कछु भी नहीं? कोई बात नहीं, पकड़ो, देसी तरीका अपनाते हैं ना। नहीं अब करेंगे हम ढंग से चेक। क्या चेक करोगे दरोगा जी? यही चेक करेंगे सारे कि तुम दोंगन में कौन भैया विभूति तो नहीं है। एक मिनट अंकल, दिमाग खराब हैगा होगा तुम्हारो, व्हाट डू यू मीन? सारे दिमाग ही खराब होगा हमाओ। जब से भैया विभूति कजाकिस्तान की बुआ बन के ऐसे रोटियां चुरा गई ना, हमारी इज्जत की लुटिया डूब गई, सारे नाक कट गई हमारी। अब हम ढंग से चेक करेंगे। वो हमने देखो है ना फिल्मन में, हमने देखो मास्क लगा के आदमी कांड कर जाते हुए देखे सारे, मास्क के चक्कर में तुम आओ रूप धर के भैया विभूति तो नहीं आ गए। लौंडे जो समझ, ऊपर कौआ बैठो मान ले, कौआ को देख। ऊपर देख और काट। काय चिल्ला रहा हूं, बिल्कुल छिलो तक नहीं है, जबकि बहुत मोटी चमड़ी है। तू कौआ ना देख, तू देख के बिलैया नीचे पानी पी रही। कोई बात नहीं, हम समझ गए तुम दोंगन में से भैया विभूति कौन नहीं है। जाओ जाओ पीरी को मलीदा पेलो ढूंढो ओरिजिनल्स। ओ तेनू दरोगा किन बनाया भूतनी के आवाज में दर्द क्या बात दी के लट। मनोहर यस सर, सारी लौंडा लपाड़ी है ना, बहुत बड़ी चिरांद है। खैर छोड़,
तू अपने ना आंखें और कान खोल कर रख, पहले तेरे देख ले। क्या बोलू? मैंने कहा सर मेरे आंख आंख और कान दोनों खुले हैं सर। अबे हम सीधो सीधो जो कहना चाह रहे चौकन्नू रहे, कौनो भी कीमत पे बेटा, कौनो भी कीमत पे वो रोटी चोर विभूतिया बच के जानू नहीं चाहिए। जाएगा तो तब, पहले आ तो जाए। आएगू